साइंटिस्ट के रूप में पहला भारत रत्न जिनको मिला डॉक्टर सी एन राव साहब, आज उनका जन्म दिवस है और उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार आज से प्रारंभ हो रहा है। भारत रत्न श्री सी एन आर राव, दुनिया आपको भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में जानती है। विज्ञान के प्रति आपके अथक जुनून और असाधारण उपलब्धियों के कारण ये हमारा सौभाग्य है कि आपको चैंपियंस ऑफ चेंज कर्नाटक 2023 से सम्मानित किया जाता है। आपकी अनुपस्थिति में आपका पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के डीन प्रोफेसर जी यू कुलकर्णी प्राप्त करेंगे। भारत रत्न श्री सी एन आर राव, पद्म विभूषण श्री एस एम कृष्णा, कर्नाटक के 10वें मुख्यमंत्री का पद संभाला और राज्य को प्रगति और विकास की ओर अग्रसित किया। कर्नाटक से आगे निकलकर आपने भारत के विदेश मंत्री का प्रतिष्ठित पद संभाला। राष्ट्र के प्रति आपकी असाधारण सेवा हेतु आपको वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये हमारा सौभाग्य है कि सामाजिक कार्यों में आपके द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के कारण आपको चैंपियंस ऑफ चेंज कर्नाटक 2023 से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े, आप तुलवा संस्कृति और विरासत के संरक्षक हैं। प्रतिदिन 50,000 लोगों को खाना खिलाने वाली विशाल अन्नपूर्णा रसोई ने दुनिया में मेगा किचन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अर्जित की है। भारत सरकार ने आपके स्मरणीय योगदान के लिए आपको पद्म विभूषण और राज्य सरकार ने कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। आपके अतुलनीय योगदान के कारण राष्ट्रपति ने आपको साल 2022 में राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया है और हमारा ये सौभाग्य है कि आपको चैंपियंस ऑफ चेंज कर्नाटक 2023 से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े। फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर लाभकारी संगठन है। संगठन का नेतृत्व वर्तमान में श्री नंदन झा जी कर रहे हैं। मैं नंदन झा जी से बहुत पहले से परिचित हूँ, वो मेरे मित्रवत है, मेरे स्नेही है और उनके आग्रह पर आज मैं इस कार्यक्रम में आकर के अभिभूत हूँ। आपके मार्गदर्शन में ये संगठन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रहा है।